चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। विधायक हमारा बिल्कुल काम नहीं करता, व्यवहार सही नहीं है। जाते हैं उनसे मिलते हैं तो बोलने का लहजा सही नहीं करते। तुमने तो वोट ही नहीं दी। मदन भैया जी लाएंगे और लाएंगे पूरे बहुमत से लाएंगे। गैस कर दिया 1000 रुपए का। पूरे बहुमत से लाएंगे, मदन भैया जी को लाएंगे। हर चीज की महंगाई है, गन्ने का रेट वही है। नमस्कार साथियों, सीसे में आप सभी का स्वागत है। आज हम खतौली विधानसभा के ताजपुर गांव में आए हैं। खतौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है। यहां से 2022 में जो चुनाव हुआ था, अभी हाल ही में जो चुनाव हुआ था, यहां से विधायक विक्रम सिंह सैनी बीजेपी से विधायक चुने गए थे, लेकिन उनकी सदस्य रद्द कर दी गई क्योंकि मुजफ्फरनगर दंगे में वो आरोपी पाए गए थे, जिनकी वजह से उनको 2 साल की सजा हुई थी और विधायकी उनकी रद्द कर दी गई। तो यहाँ पर दोबारा से उपचुनाव होने जा रहा है और बीजेपी से विक्रम सिंह सैनी की पत्नी ही राजकुमार सैनी को जो है प्रत्याशी बनाया और रालोद गठबंधन से यहाँ पर मदन भैया चुनाव लड़ रहे हैं। तो लोगों से हम बात करते हैं, जानते हैं कि क्या क्या लग रहा है इस बार उपचुनाव में, क्योंकि जो मेन चुनाव था उसमें बीजेपी यहाँ से जीत गई थी। जी नमस्कार जी, आपका नाम? लखी जी। लखी, अच्छा क्या लग रहा है चुनाव, जो उपचुनाव होने जा रहा है इस बार क्या लगता है? ये तो बछड़ों ने 5-6 बीघे सरसों खा ली, रात दिन वहाँ बैठे रहे, 2-4 यहाँ रहे, क्या करे, परेशान है ना, गेहूँ बो रहे ना कुछ बोरे। क्या किस वजह से परेशान हूँ कि, मतलब किन लोगों ने? थोड़ा सा परेशान है। अच्छा, हमारा पशु क्यों? तो पछड़े दिन नहीं आएंगे सब बावले से भी। हाँ जी, आप बताइए, आपको आप क्या विधायक के बारे में क्या बोल रहे? विधायक हमारा बिल्कुल काम नहीं करता, व्यवहार सही नहीं है। जाते हैं उनसे मिलते हैं तो बोलने का लहजा सही नहीं करते। तुमने तो वोट ही नहीं दी, वोट के और कुछ के घर में सारी इतने निकल गए थे, 1 लाख 1.25 लाख वोट मिली थी, कहाँ से मिली? पब्लिक ने नहीं दी। पब्लिक ज्यादा बोलने का तरीका सही नहीं, बेइज्जती सभी करते हैं। हैं, 2 महीने से जो है बंदा भी पड़े हुए नहीं हुए। ये तो योगी और मोदी के नाम पर जीत के नहीं है, विधायक बनने लायक नहीं, जीतने लायक नहीं है, निकम्मा विधायक है। और क्या बीजेपी को दो और कोई कैंडिडेट ही नहीं मिला? एक ही कैंडिडेट है, अब क्या उसी घरवाली को दे दिया? क्यों, लहर में जीत गया था, यही जीत तो जाएगा भाई। क्या अगर सैनी को ही देता तो सैनी और भी तो पार्टी के अंदर और भी तो बहुत कैंडिडेट अच्छे अच्छे होंगे। हमारे गांव में कोई रास्ता है, निकल के जाते हैं। आज तक कोई किसी के दुख में, दर्द में, मरने में, जीने में किसी से दुआ सलाम उठना बैठना किसी के द्वारा आज तक कोई बता दे गांव में तो बता दे। आज बालियान साहब के साथ आए होंगे, उससे बाद में कोई मतलब वास्ता नहीं, चले जाए चले जाए। सब हर आदमी को यह कहा कि हमें तो वोट नहीं देते। नहीं, मंत्री ने भी काम ऐसा करवा दिया इस एरिया के लिए, तो अंडर पास बनवा दिया, जो पुल जंगल में बनवा दिया रेलवे लाइन के ऊपर को, जो यहाँ बनना था मेन रोड पर 20 गाँव का रास्ता, 20 गाँव के रास्ते पर, मतलब यहाँ पुल नहीं बना और जंगल के रास्ते पर ओवर ब्रिज बनवा दिया। लेकिन वो जंगल का रास्ता, गांव का किसी का गांव का रास्ता, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम विकास करा रहे हैं। हाँ, विकास यही तो करवाया विकास उन्होंने, मतलब 20 गाँव के रास्ते पर तो पुल बना नहीं और जंगल के रास्ते पे पुल बनवा दिया। इस बार जिता किसे रहे हो यहाँ? मदन भैया, मदन भैया बेईमानी से जिता लो किसी को, जैसे गड़बड़ कर ले, ईमानदार से मदन भैया जीत रहा है बिरादरी, इसके साथ है। मशीन में खाली में गड़बड़ी होगी तो भैया किसी कह नहीं सकते। अरे मदन भैया के साथ छत्तीस बिरादरी सही है, बिल्कुल सारी बिरादरी साथ दे। प्रेमचंद शर्मा। अच्छा प्रेमचंद शर्मा जी, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? भाई चुनाव का तो सब कुछ चमक रहा, टक्कर है जबरदस्त है। अच्छा, भविष्यवाणी तो कोई भी नहीं कर सकता। नहीं, एक माहौल जो रहता है जैसे आप गांव में, माहौल तो उसका मदन भैया का चमक ही रहा। अच्छा, अब आगे जैसा समय होगा और समय का किसी को नहीं पता। इलेक्शन है। अच्छा, ये अभी जो मतलब जो है जैसे बिजली के बिल भी अचानक बढ़ा दिए गए हैं, उससे कितनी दिक्कत है किसान को हो रही है? किसान को तो सारी दिक्कत हो रही भाई। तीन महीने बाद ही कनेक्शन काट दें, इसलिए 600 रुपए की रसीद काट लो और फिर 600 रुपए की रसीद काट लो और फिर 800-1000 महीने के बिल आता है। 300-400 रुपए बिल आ रहा था, 700-800 रुपए आ रहा घर का, नॉर्मल 1000 का नॉर्मल बिल। इस सरकार ने लूट मारा और कुछ नहीं है। अब का मदन भैया जी लाएंगे और लाएंगे पूरे बहुमत से लाएंगे। गैस कर दिया 1000 रुपए का। पूरे बहुमत से लाएंगे, मदन भैया जी को लाएंगे। अच्छा, एक बात और बोली जा रही है जो बहुत ज्यादा खतौली विधानसभा चुनाव में सुनने का आ रहा है कि बाहर के लोगों को टिकट दे दिया है। मीरापुर विधानसभा से चुनाव लड़ रहा है बाहर का। आप आगे आ जाओ, आगे आ जाओ आप भैया। आपका नाम? वो भी तो मीरापुर विधानसभा से लड़ रहा है, चुनाव नहीं लड़ रहा है। नहीं बाहर का वो?
तो यो कहां से बाहर का हो गया? वो चार बार विधायक रह लिया, वो क्या रह लिया? बाहर ही तो प्रशांत भी था, प्रशांत को लाए थे वो बाहरी नेता, कहते भैया प्रशांत को लाए थे मीरापुर से, आज इसे बाहरी बताने लगे। बाहरी ये भी है मीरापुर कॉन्स्टिट्यूएंसी का है, ना कि खतौली कॉन्स्टिट्यूएंसी का, हमारे लिए तो ये भी बाहरी। मोदी भी जो गुजरात से आ गए यहाँ पे चुनाव लड़ रहे, वे भी लड़ रहे गुजरात से आके चुनाव लड़ रहे मोदी, वे भी बाहरी, उन्हें भी ना वोट दे। किस थी घर का खर्चा चला था, वो भी, चला भी, था वो भी बंद कर दिया, खत्म कर दिया, तो कहाँ से जीतेगा? सिंगाड़े बिकने बंद हो गए, लेकिन राशन भी तो बांट रहे हैं वो, महीने ठंड ठंड पड़ रही है, चावल खा के मरेंगे, चावल खा के पेट में पथरी होगी, पथरी खाने की आदत गई थी सरकार, और क्या हम करे ना, निकलने बैठे मजदूर ने करना छोड़ दिया, जब घर बैठे मिलेगा देश कहाँ से बढ़ेगा? आगे रोजगार की क्या स्थिति है? रोजगार तो 400 का रेट कर दे, गन्ने का साढ़े 400 था, 1200 रुपए हो गया, 1100 रुपए सिलेंडर का, ये महंगाई, ये तरक्की है? विकास लोग विकास कर रखा जी, डीजल पेट्रोल रोजगार विकास, ये कर भी विकास है, ये विकास आदमी परेशान है जी जी, डीजल पेट्रोल गैस सिलेंडर छू रहा आसमान है, जिससे आम आदमी परेशान है। तो विधायक जी कभी जो मतलब लगातार दो बार विधायक चुने जा चुके हैं, तो कितना विकास आपके गांव में हुआ है? अभी तो कोई होता है खड़े नहीं मिलते, विकास होता था भर साहब, हम बात करते हैं ताऊ के ले होंगे, ताऊ को भी कहने का, विकास होता था यहां थोड़ी खड़े होते, घर लेकर भी विकास नहीं हुआ, क्या हो यार विकास कह रहे कि हम विकास करा रहे देश को करा रहे कदू करा रहे, अरे काम काम नहीं कर गया, बच्चा सुखी रहो, कुछ भी नहीं होता, कहे कहे वोट मांग रहे हम तो पता है जी, हम दोबारा वो करेंगे जी, होता कुछ नहीं। अच्छा ये बताइए गन्ने का पेमेंट कितना भी आपका जो हुआ है, कितना बाकी? तो जीरो जीरो गन्ने का तो हुआ, कुछ भाव भी बढ़ा नहीं, बढ़ा गन्ने का तो हो रहा है, गन्ने का तो हो रहा है, कुछ भी नहीं बढ़ रहा, बढ़ रहे हैं जी रहे हैं, 500 रुपए एक बीघा के वोट, 1000 रुपए के वोट आ रही है, कम है, योगी जी कर रहे हैं, 6 महीने सम्मान निधि योजना दे रहे हैं, और जो है कहीं भी नहीं दे रहे, 2000 की किस्त आई थी, वे भी आनी बंद होगी, हमारी किस्त भी नहीं हुई, बुढ़े आदमी हमारी कुछ का बाबा तू क्या लेगा, अरे बाबा रोटी नहीं खाने का या कुछ नहीं करने का, 1350 का डाई इकट्ठा कर दिया, 1350 किसान कितने खुश है, 1350 का डाई, लेकिन सरकार तो बार बार बोलती है हम किसान इतेसी पार्टी है, नहीं गन्ने का रेट क्या बढ़ा, कुछ भी नहीं बढ़ा, नहीं 25 रुपए तो बढ़ा दिए, कहाँ बढ़े जी, 350 का वही रेट चल रहा, उससे पेमेंट दिया इन्होंने, अभी जज चुनाव से पहले घोषणा हुई थी कि हमने यहाँ केंद्र में कोई वो नहीं हुआ, यहाँ कोई नहीं बढ़ा, 350 का रेट ही मिल रहा, और अभी खोलना भी नहीं, उससे पेमेंट दे रहे 350, अभी तक उसका उस हिसाब से पैसा भी नहीं मिला, जीरो, हर चीज की महंगाई है, गन्ने का रेट वही है। हम अभी जो है खतौली विधानसभा के ताजपुर गांव में थे, यहाँ पे हमने लोगों से बात की, तो ज्यादातर लोग जो है विक्रम सैनी विधायक जी से नाराज है, और चाहते हैं कि इस बार हम नए ही विधायक, जो ज्यादातर लोगों का कहना है कि हम मदन भैया को जो है इस बार जो है भारी मोहम्मद जिता रहे हैं। सीसे के साथ जुड़े रहे, उत्तर प्रदेश से खबरें आप तक आती रहेगी, धन्यवाद।